आज हम उड़द की दाल के पहाड़ी स्टाइल से बर्ड बनाने जा रहे हैं, यानी कि पकौड़े बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने व्हाइट उड़द की दाल ली थी। इसे अच्छे से पानी से 4-5 बार धो लेने के बाद रात भर भिगा के रखा था। कम से कम 6 से 7 घंटे इसे भिगो के रखने होते हैं। इसके बाद में हमने इसे मिक्सर जार में ले लिया है। इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून से भी कम, 1/4 पार्ट बोल सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली है हमने, और अब इसे हम मोटा मोटा पीस लेंगे। उड़द की दाल के बड़ बनाने के लिए, यानी कि पकौड़े बनाने के लिए, इसे मोटा मोटा पीसा जाता है। अगर आप इसे पतला पीस देंगे तो इसके बड अच्छे नहीं बनते हैं। तो अब हम इसे मिक्सिंग में पीस लेंगे। और यहाँ पर हमारी दाल पीसकर रेडी है। इसमें हमने हल्दी, हरी मिर्च और जीरा डाला हुआ था। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लहसुन और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसमें आप सिर्फ नमक की कमी है, वो हम तब डालेंगे जब इसके लिए हम तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। क्योंकि अगर नमक हम पहले ही डाल देंगे तो उसकी वजह से दाल पानी छोड़ देगी और क्रिस्पी पकौड़े नहीं बन पाएंगे। तो अब इसके लिए हम पहले तेल गर्म करते हैं और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। उड़द की दाल थोड़ी सी हैवी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, इसके लिए हम इसमें 1/4 टेबल स्पून अजवाइन मिक्स कर देंगे। अजवाइन और जीरा कभी भी डालते वक्त इसमें हाथों से अच्छे से रगड़ कर डालें। दाल के बड़े बनाने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम दाल में नमक डाल देंगे। हम दाल में नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लिया। अभी इसकी छोटी छोटी सी क्वांटिटी ली, इतना बस, इतना, पूरा हाथ गंदा नहीं करना है हमें। और ऐसे अंगूठे से डाल देना है तेल में। ये देखिए, ऐसे लो मीडियम आंच पे पकाने से आपके दाल के बड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से पकेंगे, अंदर से कच्चे बाहर से जले हुए ऐसे नहीं लगेंगे आपको। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमको तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद में हमें लो मीडियम आंच पर पकाना है। ये हमारे बूट बनकर तैयार है। अब मैं इसे तेल से निकाल दूँ। अब फिर से हम पानी हाथों को लगाकर फिर से सेकेंड बैच फ्राई कर लेंगे। कोई भी पकौड़े बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पकौड़े बनाने से पहले हमें अच्छे से तेल को गर्म कर लेना है, और जब हम उसमें पकौड़े डालकर फ्राई कर रहे हों तब उसे मीडियम आंच पर रखना होता है। नहीं तो अगर लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो पकौड़े ज्यादा तेल सोख लेंगे, और हाई फ्लेम पर करेंगे तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। देख सकते हैं सही आंच पर पकाने से ये फायदा होता है कि पकौड़ों ने ज्यादा ऑयल नहीं पिया है। टिश्यू पेपर पे थोड़ा भी, बहुत ही कम मात्रा में ऑयल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे उड़द के दाल के पकौड़े बनकर रेडी हैं। आप इसे चाहे सॉस के साथ सर्व करें, चाहे धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्ते।